हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के 10 मानसून में घूमने वाले जगहों के बारे में। चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअल में आज हम लोग बात करने वाले हैं आप मानसून में कहां कहां जा सकते हैं, झारखंड में कहां सबसे बेस्ट प्लेसेस है। चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसमें से सबसे पहला है हमारा यहाँ पर मैथन डैम, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यूँ तो मैथन डैम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोग यहाँ पे जनवरी में आ सकते हैं, फरवरी में आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग पहले ही नज़ारा देख चुके हैं, ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जब पानी गिरता है, सारा का सारा यहाँ पे गेट को खोला जाता है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है। और ये साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल बॉर्डर में स्थित है, क्योंकि ये जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल बॉर्डर में स्थित है, और इसके लिए जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। बंगाल से भी कई लोग घूमने के लिए आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड के धनबाद शहर में स्थित यह मैथन डैम करीब धनबाद से ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपको ज़रूर से यहाँ पे विजिट करना चाहिए इस मानसून के महीने में। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा अगला है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है नेतरहाट। नेतरहाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं, अगर आप लोग कहीं घूमना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जगहों में से एक है ये नेतरहाट, और इसे ही छोटा नागपुर का द्वार कहा जाता है। और कई लोग यहाँ पर भी घूमने के लिए आते हैं। इस मानसून में सबसे ज़्यादा लोग जो है, सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो देखी जाती है नेतरहाट में। यहाँ पर फॉल्स भी मिलेंगे कई सारे, आपको जो है प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसीलिए लोग यहाँ पे आना प्रीफर करते हैं। दोस्तों, अब है हमारा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, दशम फॉल। दशम फॉल भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये पानी गिरते हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। ऑफकोर्स ये मेरा सबसे फेवरेट में से एक है, क्योंकि मैं यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पानी गिरते हुए बहुत ही सुंदर लगता है ये दशम फॉल। अगर बात करें हम लोग दशम फॉल की, तो रांची से जो है इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर की रहती है। साथ ही साथ ये मात्र 44 मीटर ऊंचा है। ये मेरा फेवरेट है, जैसा कि मैंने बताया, दशम फॉल यहाँ पे पानी गिरते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। मानसून में सबसे बेस्ट जगह में से एक माना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले विजिटिंग प्लेस के बारे में। ये है पतरातू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पतरातू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बेसिकली मानसून में जब ये हल्का पानी या हल्का बारिश होती है, तो यहाँ पर भी भीड़ जो है देखी जाती है। कई सारे लोग यहाँ पर भी भींग भींग के घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा शानदार फोटो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सामने जो है एक डैम भी है, तो आप लोग उस डैम में भी मज़े ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। झारखंड का सबसे खूबसूरत घूमने वाले जगहों में से एक माना जाता है पतरातू वैली को, और मानसून में भी यहाँ पर कई लोग घूमने के लिए आते हैं। आप लोग देख सकते हैं, सुंदर सा नज़ारा है। दोस्तों, रांची से कुल दूरी 45 किलोमीटर रहती है पतरातू वैली तक। अब हमारा अगला लोकेशन है यहाँ पे मोती झरना। मोती झरना ऑल ओवर पूरे संथाल परगना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बात करें अगर इसकी ऊंचाई की, तो 45 मीटर ऊंचा है ये। साथ ही साथ ये तालझारी ब्लॉक में स्थित है, साहिबगंज जिले के तालझारी ब्लॉक में स्थित है, और इसकी दूरी साहिबगंज से लगभग 14 किलोमीटर है। मैं बेस्ट वे बताऊँ तो यहाँ पे जाने के लिए सबसे अच्छा आप लोग बस से आ सकते हैं, फिर आप लोग बाई स्कूटी बाई बाइक भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मोती झरना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ भी पानी गिरते हुए मानसून में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, और मानसून में पानी गिरते हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैंने एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया हुआ है मोती झरना पे, आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है किस तरह से आना यहाँ पे बेस्ट है। बाकी हम लोग बात करते हैं हमारे अगले लोकेशन के बारे में, जो कि है यहाँ पे, यह है हुंडरू फॉल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपातों में से एक है। साथ ही साथ इसका जो है पूरे भारत में 34वां रैंक है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 98 मीटर रहती है। साथ ही साथ ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है पानी गिरते हुए। यहाँ भी मानसून में भीड़ देखी जाती है, और ये मानसून में जो है पूरा भर भर के पानी आता है। अभी तो पानी नहीं है, लेकिन पूरा भर भर के पानी आता है मानसून में, इसीलिए यहाँ पर लोग जो है आना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर भी घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये है जौना फॉल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जौना फॉल यहाँ पर रांची से लगभग
30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये भी यहाँ पे सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 43 मीटर है और यहाँ पे जनवरी फरवरी के महीनों में भीड़ देखी जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे मॉनसून में भी भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे पानी गिरते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है, इसीलिए भीड़ देखी जाती है। फिलहाल ये है यहाँ पे जोना फॉल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम विजिटिंग प्लेस यानी कि सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक ये है मासनजोर डैम, दुमका की शान, संथाल परगना की शान। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मासनजोर डैम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूँ, एक प्रॉपर सा ब्लॉग मैं बना चुका हूँ, इस पर आप लोग चेकआउट ज़रूर से करें। और यहाँ भी मॉनसून के समय में भीड़ देखी जाती है। ये बंगाल और दुमका बॉर्डर में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ जो है वो दोनों तरफ से देखी जाती है। यहाँ पर बंगाल से भी कई लोग घूमने के लिए आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड के लोग भी घूमने के लिए आते हैं। ये ऑल ओवर पूरे झारखंड में फेमस है। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ इसकी डिस्टेंस, इसकी दूरी जो है लगभग दुमका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी रहती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और मॉनसून में भी यहाँ पे बहुत ही भर भर के पानी आता है, इसीलिए यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। ऑल ओवर अगर आप लोग इस मॉनसून घूमने के लिए निकल रहे हैं तो इन सभी जगहों में जा सकते हैं घूमने के लिए। इन सभी लोकेशनों में से जैसा कि मैंने बताया दसम फॉल, साथ ही साथ जोना फॉल, हुंडरू फॉल, और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैथन डैम ज़रूर से विजिट करना चाहिए क्योंकि इन जगहों में आप लोग शांतिपूर्वक मस्ती कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा रहता है इन जगहों में। तो आप लोग ज़रूर से विजिट करें, ऑल ओवर पूरे झारखंड में ये सभी के सभी प्लेस जो है फेमस है। दोस्तों ओवरऑल ये है आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, भाई लाइक नहीं करते हो आप लोग तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अपना जरूर से जल्दी जो है 3K सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।